नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं यूएन। शबनम एक ऐसा शब्द जिसके नाम से ही सुकून सा मिलता है और जिसे देखकर हर किसी को उससे मोहब्बत हो जाए। जी हाँ, शबनम का उर्दू मतलब ही ओस की बूंदे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे खूबसूरत नाम को अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा के लोग अपनी बेटी का नाम नहीं रखना चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला को फांसी दी जा रही और इसी महिला का नाम है शबनम और इसे मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में मौत की सजा दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि शबनम को फांसी की सजा मिल रही। तो आइए ले चलते हैं आपको आज से करीब 12-13 साल पहले, साल 2008 में अप्रैल की 15 तारीख, जहां अमरोहा जिले के बावन खेड़ी में शिक्षक शौकत अली का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी हाशमी, बेटा अनीस, राशिद पुत्र वधु अंजुम, बेटी शबनम व 10 महीने का मासूम पौत्र अर्श थे। इकलौती बेटी शबनम को पिता शौकत अली ने लाड प्यार से पाला था, बेहतर तालीम दी। एमए पास कराने के बाद वो शिक्षा मित्र हो गई। इस दौरान शबनम का प्रेम प्रसंग गांव के ही 8वीं पास युवक सलीम से शुरू हो गया। दोनों प्यार में इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने सामाजिक तानाबान छिन्न भिन्न कर दिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी तो सलीम पठान बिरादरी से था, लिहाजा शबनम के परिवार जनों को ये मंजूर नहीं हुआ। और बस यहीं से शुरू हुआ एक बेटी का अपने ही परिवार का कातिल बनने का सफर। जी हाँ, शबनम अपने प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने सारी हदी पार कर दी और अपने ही परिवार को मारने की साजिश रच डाली। हुआ भी ऐसा, 15 अप्रैल की रात को उसने अपने घर वालों को खाने में कुछ मिलाया और फिर एक एक कर सबको कुल्हाड़ी से काट कर बेरहमी से हत्या कर दी और खुद भी आधी रात को दहाड़े मार मार कर रोने लगी और गांव वालों को बताया कि डाकुओं ने सभी को मार डाला। जिसके बाद इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। घटना के एक हफ्ते भर में ही पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। इसके बाद पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि शबनम की एक शख्स लगातार बात हुई जिसका नाम सलीम था। शबनम से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने सब उगल दिया। उसके बाद अरेस्ट हुए सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई जिससे कत्ल किया गया था। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरह शबनम एक बेटी से अपराधी बनी। वैसे आपको बताते चले कि आज शबनम का एक वही बेटा है जो अब 11 साल का हो गया है, जिसे शबनम ने अपने ही एक पत्रकार मित्र को सौंप दिया और कहा कि अपने बेटे को उस गांव में दोबारा ना ले जाए। खैर, अब आते हैं आगे की अपडेट पर। तो बता दें कि मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई और देश की आज़ादी के बाद शबनम पहली महिला होंगी जिसे फांसी होगी। हालांकि अभी फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के पवन जल्लाद भी 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं और डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन।